नगर पंचायत सिलाखोई हरिपुर रोड पशु चिकित्सालय बिल्डिंग के सामने जर्जर व्यवस्था में खड़े बिजली के खंभे की शिकायत के बाद भी बिजली विभाग की नींद नहीं खुली है। स्थानीय निवासी पूनम पवार ने कहा कि बिजली का खंभा जर्जर अवस्था में खड़े होने की शिकायत विभाग को दी गई थी, बावजूद विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मौके का मुआयना भी किया गया और परंतु उसके बाद बिजली का खंभा बदला नहीं गया। वहीं सिलाखोई बिजली दफ्तर के SDO विनीत गुप्ता ने कहा है कि कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमें शिकायत मिली थी, हमने कुछ बिजली के खंभों को बदल दिया है और कुछ बचे हुए हैं बिजली के खंभे, वो भी जल्द ही बदल दिए जाएंगे। देहरादून से जयसिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमने कुछ पोल बीच में चेंज भी किए हैं जो गले की शिकायत हम लोगों के पास पहुंची थी, अभी कुछ शिकायतें पेंडिंग नहीं है, उसके लिए हमने प्रस्ताव बना दिए हैं और 1-1.5 महीने में वो सारे पोल चेंज हो जाएंगे। वो हमने क्षेत्र में एक डिटेल सर्वे करा लिया है, जो हमारे पास जनप्रतिनिधि की शिकायतें आई थी उन पर भी और कुछ हमने वैसे भी सर्वे कराया था, वो जल्दी वो 1-1.5 महीने में चेंज हो जाएंगे सारे पोल। सर, पोल को लेकर ही अभी आपके पास क्षेत्र से एक कंप्लेंट आई थी, इसमें तीन चार घर के बदल में मेरा पोल है, इसकी शिकायत में कम से कम दिसंबर में दे चुकी हूँ आपके पास, उसके बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई होने के बाद भी मैं विधायक जी के पास गई थी, विधायक ने फ़ोन भी किया SDO साहब जी को, SDO साहब को फ़ोन करने के बाद मैं 13 फरवरी को उनके ऑफिस गई हूँ, उनके ऑफिस में उनसे वार्तालाप की है, उन्होंने रावत जी को बोला था कि आप आके संज्ञान ले लें, और अधिकारी भी देख चुके हैं खंभे को किसकी हालत कितनी ख़राब है, और इस खंभे की इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद नदी कभी भी गिर सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, उस पर कोई उनकी कार्रवाई नहीं होगी।